राजधानी दिल्ली में पारा 42 के पार है, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो दिनों में पारा 45 डिग्री से भी ऊपर बढ़ सकता है। साथ ही साथ लू भी बढ़ सकती है, गर्म हवाएं चल सकती हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बीच दिल्ली और NCR वालों को दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि अब सड़कों पर ना ही प्याव का इंतज़ाम देखा जा रहा है, ना ही गंदे वाले देखे जा रहे हैं, ना ही जूस वाले देखे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। लगातार गर्मी का सितम कहर हो रहा है, दो दिन में लू भी आने वाला है। आदमी करे क्या, बीमारी ऐसी है इसमें आदमी कुछ कर तो सकता नहीं। इतना है कि अपने जो मटके वगैरह हैं इनको अपने घर में साफ सफाई के साथ यूज कर सकता है, और उसका पानी पीने से थोड़ा सा पानी रखते हुए अपने आप में बचाव का साधन कर सकता है। कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी गर्मी, सबसे पहले तो रमेश जी आप अपना रुमाल लगाइए चेहरे पे। पूछना है कि आने वाले दिनों में लगातार गर्मी बढ़ रही है, बढ़ भी सकती है, खुद मौसम विभाग कह रहे हैं, कैसे बचाव करें? क्या आपको कहीं प्याव के इंतजाम वगैरह देख रहे हैं, मिल रहा है? नहीं, अभी तो कोई ऐसा नोएडा में कहीं प्याव वगैरह नहीं है। और दूसरे गरीब आदमी के लिए तो ऐसे योगी जी ने बहुत सुविधाएँ दी हैं, अभी आने वाले समय में और भी दे सकते हैं। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि कहीं पर प्याव वगैरह की साधन भी कहीं गर्मी में लगाया जाए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, जगह जगह थोड़ा सा प्याव का साधन। ये लोग हैं जो खासे परेशान हैं, लेकिन एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ मटके रखे हुए हैं, जो कि ये कहा जाता है कि मटके का पानी काफ़ी शीतल होता है, काफ़ी ठंडक देता है। अब खुद दुकानदार यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो सालों से यहाँ पर मटका बेचते हुए आ रहा है। क्या नाम है आपका? सर अजय कुमार। अजय, मटके की बिक्री हो रही है गर्मी में? सर अभी तो पहले के मुकाबले बहुत कम हो रही है। पहले अगर जो 15% में से मान लो कि 10% दुकानदारी रह गई है, और जो पहले हम माल लाए थे वो भी हमारा लॉस में चला गया, दो महीने से काम नहीं चल रहा है। उधार माल लाए थे वो भी लॉस में है, और मैं बैंक में भी गया था कुछ मदद मांगने के लिए, वहाँ भी कह दिया कि आपको तो हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो इतनी गर्मी है, उसके बाद ही मटका आपका नहीं बिक रहा है, या कोई लोग ही नहीं घर से निकल रहे हैं? लोग बाकी घर से बहुत कम निकल रहे हैं, और जो भी लेता है एक मटका लेता है, पहले बड़े बड़े मटके लेके जाते थे प्याव के लिए, अब तो बस घर के लिए छोटे छोटे मटके लेके चले जाते हैं, और कोई तो तुम इसी पे डिपेंड हो मटका बेचते हैं? लेकिन किस साल ज़्यादा घाटा हुआ है? इस साल ज़्यादा घाटा हुआ है, जो पहले माल लाए थे वो भी लॉस में चला गया, वो भी अभी तक नहीं बिका है, और जो अभी ऑर्डर भी दे रखा है वो भी हमारा नहीं चल पा रहा है। देखिए, पारा लगभग 45 डिग्री तक पहुँच गया है, और खुद मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले दो दिनों में 45 के पार ही पारा पहुँच सकता है। सड़कों पर देखिए मटके बेचा जा रहा है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। इस डर से नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग घर से उसके बाहर नहीं निकल रहे हैं और कुछ मटका लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों का प्रशासन से अपील है कि कहीं जगह जगह प्याव का इंतजाम जरूर कराया जाए। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 नोएडा।